नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान 10 बजे और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं जयपुर संभाग की। यहां की बड़ी खबर बता रहे हैं मेरी सहयोगी ज्योति पुष्पेंद्र से। सीएम अशोक गहलोत कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए बेहद गंभीर है और इसी के तहत राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया और कोरोना को लेकर राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन को जारी किया है। जिसके तहत प्रदेश में स्विमिंग पूल को बंद रखने के आदेश दिए गए और शुक्रवार रात 9 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे सिनेमा हॉल, थिएटर, जिम, मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क पूरी तरह से बंद रखे जाएंगे। रेस्टोरेंट और होटल्स में भी नाइट कर्फ्यू अनिवार्य होगा, लेकिन टेक अवे और डिलीवरी पर पूरी तरह से छूट रहेगी। बाहरी यात्रियों को पोर्टल पर अनिवार्य रूप से कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट अपलोड करनी होगी। यदि कोई यात्री नेगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता तो उसे वहां पहुंचने पर 15 दिन तक क्वारंटाइन रखा जाएगा और साथ ही कलेक्टर्स को पहले की तरह जिले की सीमा पर चेक पोस्ट स्थापित करने को लेकर भी राज्य सरकार की तरफ से आदेश जारी किए गए। सरकार ने शादियों में आने वाले मेहमानों की संख्या बिगड़ा दी है। एक बार फिर से आपको वही हालात नजर आएंगे शुक्रवार रात 9 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक, क्योंकि जिस तरह से साल 2020 में जो सख्ती देखने को मिली थी वही सख्ती आपको अब फिर से नजर आने लगी है। कोरोना हर तरफ पैर पसार रहा है और इसी के तहत राजस्थान में भी इस नई गाइडलाइन को जारी किया गया, जिसके तहत नाइट कर्फ्यू भी अब अनिवार्य रूप से होटल्स में, रेस्टोरेंट में भी लागू होगा, तो साथ ही थिएटर, जिम, मल्टीप्लेक्स तमाम चीजें बंद रहेंगी। सबसे बड़ी बात कि शादी में आने वाले मेहमानों की संख्या भी घटा दी गई है। सबसे बड़ा मुद्दा यही लगता है हर बार शादियों में आने वाले मेहमानों की संख्या को देखकर, लेकिन चूंकि कोरोना बढ़ रहा है और इसी के तहत शादी में आने वाले मेहमानों की संख्या अब सिर्फ 50 रखी गई है। वहीं जयपुर संभाग की एक और बड़ी खबर बता रही हमारी सहयोगी तृप्ति। प्रदेश में कोरोना का संकट अभी टला नहीं है। राजस्थान में लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है। आज भी मरुधरा में कोरोना का विस्फोट हुआ। पिछले 24 घंटों में 1,729 केस नए सामने आए। सबसे ज्यादा 258 केस जयपुर में दर्ज किए गए, तो वहीं कोटा में 225 नए मरीज सामने आए। बात करें अगर जोधपुर की तो यहाँ 194 केस आए, जो उदयपुर में 137, अजमेर में 96, भीलवाड़ा में 96, सिरोही में 83 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। डूंगरपुर में 85 नए मरीज कोरोना की चपेट में आ गए। अब राज्य में कोविड एक्टिव केस बढ़कर 12,878 हो गए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 2,383 एक्टिव केस जयपुर में हैं। कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ने के साथ ही मरने वालों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। राजस्थान में आज 2 कोरोना संक्रमित मरीजों ने दम तोड़ दिया। वहीं बीकानेर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी संजय प्रजापत। चूरू जिले के सुजानगढ़ दौरे पर आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह टोडसरा दौरे पर रहे। गोविंद सिंह टोडसरा सुजानगढ़ में आए और कांग्रेस प्रत्याशी मनोज मेघवाल के कार्यालय का उद्घाटन किया। उसके बाद में उन्होंने बिद्दासर के सांडवा में भी जाकर कार्यकर्ताओं का को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस को जीत दिलानी है और अशोक गहलोत द्वारा किए गए विकास कार्यों की उन्होंने विस्तृत से चर्चा की और सुजानगढ़ को जो सौगातें मिली है उन्होंने कहा कि सुजानगढ़ को विकास में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने देंगे। मास्टर बाबूलाल मेघवाल के सपनों के सुजानगढ़ को बनाएंगे। इसके साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ता भी साथ रहे और चूरू के प्रभारी मंत्री भंवर सिंह भाटी भी साथ रहे। उसके बाद में उन्होंने बिद्दासर में भी एक कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ जाकर घर घर भी वोट मांगे। गोविंद सिंह टोडसरा सुजानगढ़ सीट सहित तीनों सीटों को जीतकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पार्टी को तोहफा देना चाहते हैं। उनके पे प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए तीनों सीट पार्टी जीत जाए, इससे बड़ी बात गोविंद सिंह टोडसरा के लिए कुछ नहीं होगी। हालांकि गोविंद टोडसरा इस सीट पर काफी मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं और तीसरी बार इस सीट पर प्रचार करने के लिए आज आए हैं। ये सीट मास्टर बाबूलाल मेघवाल के आकस्मिक निधन हो जाने के बाद के अंदर यहाँ पे उपचुनाव हो रहे हैं और मास्टर बाबूलाल के पुत्र मनोज मेघवाल यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं और उनका मुकाबला है वो भाजपा के खेमाराम मेघवाल से है। कांटे का मुकाबला बना हुआ है। हालांकि कांग्रेस विकास के नाम पर वोट मांगती हुई दिखाई दे रही है। अजमेर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी नवीन जोशी। साड़ा विधानसभा उपचुनाव में भाजपा से बगावत कर निर्दलीय चुनाव मैदान में कूदे लादूलाल पितलिया के नाम वापसी के मामले से जो विवाद उठा वो विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज लादूलाल पितलिया के समर्थकों ने गुड़ला गांव में एकत्र होकर एक साथ न भाजपा न कांग्रेस को वोट देकर नोटा के पक्ष में मतदान करने का संकल्प लिया। इसके लिए बकायदा नीलकंठ महादेव के प्रांगण में लोगों ने शपथ ली और
निर्णय लिया कि आगामी 17 अप्रैल को जो होने वाला मतदान है उसमें सभी मिलकर करीब 21,000 तक मत नोटा के पक्ष में दिलवाएंगे। सीधा सीधा लोगों ने आरोप लगाया कि दोनों पार्टियों में जो परिवारवाद चल रहा है उसको सबक सिखाने के लिए ये कदम आम जनता मिलकर उठाने वाली है और इसके लिए युवाओं की करीब 100 लोगों की ऐसी टोली है जो घर घर जाकर और गांव गांव जाकर जनसभा और नुक्कड़ सभा का आयोजन करेगी और लोगों को नोटा में मत देने के लिए प्रेरित करेगी। युवा नेता आशीष शर्मा के नेतृत्व में किए गए इस कार्यक्रम में संकल्प भी लेने के साथ साथ में ये कहा गया कि आने वाले 2023 के जो आम चुनाव हैं उसमें भी इन दोनों पार्टियों को सबक सिखाने के लिए युवा तैयार हैं। गौरतलब है कि 2 दिन पूर्व भाजपा से बगावत कर चुनावी मैदान में उतरे लादूलाल पिथलिया के नामांकन वापसी के पीछे भाजपा का हाथ बताने के आरोप लगातार लग रहे हैं और इन आरोपों के बीच कांग्रेस पूरे मामले को लेकर हमलावर मूड में है और आरोप लगा रही है कि लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास भाजपा कर रही है और लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ साथ लोकतंत्र में जो अधिकार दिए गए चुनाव लड़ने का उसके भी हनन का प्रयास भाजपा द्वारा किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं और उदयपुर संभाग का रुख करते हैं। यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी रवि शर्मा। राजसमंद उपचुनाव के रण में प्रत्याशियों ने जनसंपर्क किया तेज। भाजपा प्रत्याशी दीप्ति माहेश्वरी और कांग्रेस प्रत्याशी तनसुख बोहरा ने आज सघन जनसंपर्क सभाओं में खुद के लिए समर्थन मांगा। इस बीच कांग्रेस के प्रत्याशी एक देवरे पर झाड़फूंक कराते भी नजर आए। राजसमंद उपचुनाव की चुनावी चौसर अब पूरी तरह जम चुकी है। राजसमंद उपचुनाव में भाजपा की प्रत्याशी दीप्ति माहेश्वरी और कांग्रेस के प्रत्याशी तनसुख भौरा पूरे जोर शोर के साथ जनता के बीच जा रहे हैं। आज इन दोनों ही प्रत्याशियों ने विधानसभा क्षेत्र की अलग अलग पंचायतों में जनसंपर्क और नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से खुद के लिए वोट की अपील की। इस दौरान कांग्रेस के प्रत्याशी तनसुख बोहरा जनसंपर्क अभियान के दौरान एक खास अंदाज में नजर आए। दरअसल जनसंपर्क अभियान के तहत बोहरा अपने समर्थकों के साथ खंडेल गांव स्थित एक देवरे पर पहुंचे। यहां भोपाजी ने बकायदा कांग्रेस प्रत्याशी को झाड़फूंक करते हुए जीत का आशीर्वाद भी दिया। इस दौरान तनसुख बोहरा के साथ कई समर्थक भी इस मौके पर मौजूद रहे। दरअसल राजसमंद उपचुनाव में दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशियों ने पूरे जोर शोर के साथ अपने चुनावी अभियान का आगाज किया हुआ है। दोनों ही प्रत्याशी अपने अपने वायदे और अपने अपने इरादों के साथ जनता के बीच जा रहे हैं और 17 अप्रैल को होने वाले मतदान में प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। रुक करते हैं जोधपुर संभाग का। यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी राजीव गोर। जोधपुर संभाग में आने वाले जालोर जिले के सांचौर कस्बे में आज एक ऐसा दर्दनाक हादसा पेश आया जिसके चलते एक ही परिवार के 5 लोग मौत के मुंह में चले गए। जोधपुर से कांग्रेस नेता गणपतलाल सुथार का परिवार सांचौर के लिए रवाना हुआ, मगर सांचौर पहुंचने से पहले 10 किलोमीटर पहले ही जिस तरीके से उनकी कार का एक्सीडेंट ट्रक से हो गया उसके चलते मौके पर ही सुथार के दोनों पुत्रों के अलावा उनकी पत्नी की मौत हो गई और साथ में दोहिता और दोहिती भी मौत की भेंट चढ़ गए। हादसा इतना भयानक था कि उसको देख करके किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। जिस तरीके से शव गाड़ी के अंदर फंसे हुए थे उनको निकालने में जो देरी हुई उसके चलते 4 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई जबकि 5 शख्स की मौत इलाज के दौरान अस्पताल में हुई। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि लगातार जिस तरीके से पूरे राजस्थान में अलग अलग सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही है उसके चलते जो ड्राइवर हैं उनको संयम रखने की ज़रूरत है और साथ ही कहीं ना कहीं जहाँ रेडियम प्लेट्स नहीं हैं या जहाँ ट्रैफिक पॉइंट्स नहीं है उनको भी लगाने की ज़रूरत है क्योंकि लगातार दुर्घटनाएं बढ़ रही है और लोग जो हैं मौत के मुँह में जा रहे हैं। रुक करते हैं भरतपुर संभाग का। यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी मनोज जैन। हत्या के मामले में 4 वर्ष से फरार चल रहे 5,000 रुपए के इनामी बदमाश को जिला स्पेशल टीम ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी गुलबदन उर्फ गुलफाम सवाईमाधोपुर जिले में बजीरपुर निवासी है जिसको पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बूंदी से गिरफ्तार किया है। SP मृदुल कछावा के नेतृत्व में वांछित अपराधियों की धरपकड़ का अभियान चलाया जा रहा है। ASP प्रकाश चंद ने बताया कि
कैला देवी में लोहरा पुलिया के समीप 4 वर्ष पूर्व रफीक नामक युवक का शव मिला था, जिसमें आरोपी की पहचान गुलफाम के रूप में की गई। आरोपी उसी समय से फरार चल रहा था, जिस पर पुलिस की ओर से 4,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया। एएसपी के अनुसार मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर डीएसपी टीम प्रभारी यदुवीर सिंह के नेतृत्व में आरोपी को बूंदी से दबोचा गया। एएसपी ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की जा रही है।